नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे कि घर में हमें किस स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए। जैसे कुछ इस तरीके से किचन में इंडक्शन या फिर माइक्रोवेव लगाने के लिए हमें स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी रखनी है, और कुछ इस तरीके से फ्रीज यानी कि रेफ्रिजरेटर सेट करने के लिए हमें स्विच बोर्ड की नीचे से ऊंचाई क्या रखनी चाहिए, इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे। और इसके साथ साथ मेन बोर्ड आप देख सकते हैं कि प्रत्येक रूम में कुछ इस तरीके से मेन बोर्ड होता है, जिसमें फैन और लाइट और इसके साथ साथ कुछ सॉकेट कनेक्टेड होते हैं। तो इस मेन बोर्ड की ऊंचाई नीचे से ऊपर तक कितनी रखनी चाहिए। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप बेड पर लेट या फिर बैठ कर कुछ इस तरीके से मोबाइल को चार्ज लगाते हुए फोन चलाना चाहते हैं तो आपको बोर्ड की ऊंचाई क्या रखनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो सबसे पहले यदि हम इंडक्शन बोर्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किचन में कुछ इस तरीके से आजकल हम इंडक्शन का उपयोग करते हैं। तो प्लेटफॉर्म से इंडक्शन बोर्ड की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, चलिए हम आपको माप कर दिखा देते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि किचन में इंडक्शन बोर्ड लगा हुआ है और हमने यहां पर ऑलरेडी टेप लगा रखा है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि कितनी ऊंचाई रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इंडक्शन बोर्ड की ऊंचाई किचन के प्लेटफॉर्म से यानी कि जिस पर आप इंडक्शन रखेंगे उससे 1 फीट 3 इंच की ऊंचाई पर आपको बोर्ड लगाना है। आप यहां पर अच्छे से देख लीजिए कि इंडक्शन बोर्ड की ऊंचाई किचन के प्लेटफॉर्म से 1 फीट 3 इंच रखी गई है। इंडक्शन बोर्ड के बाद यदि हम फ्रीज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्रीज का जो बोर्ड है वो फ्रीज से थोड़ी ऊंचाई पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रीज के लिए बोर्ड लगाया गया है, और इस बोर्ड की ऊंचाई जानने के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी टेप लगा रखा है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि फ्रीज के बोर्ड की ऊंचाई नीचे से आपको कितनी रखनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रीज बोर्ड की ऊंचाई आपको नीचे से 5 फीट की ऊंचाई पर रखना है। तो इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि फ्रीज वाले बोर्ड की ऊंचाई हमें 5 फीट रखनी चाहिए। फ्रीज के बाद यदि हम नॉर्मल बोर्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक रूम में कुछ इस तरीके से एक मेन बोर्ड होता है, जिसमें आपका फैन, लाइट और इसके साथ साथ 2 सॉकेट कनेक्टेड किए जाते हैं। तो रूम के लिए जो आपका मेन बोर्ड होगा, यदि हम उसकी ऊंचाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूम का मेन बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें आपका फैन, लाइट और इसके साथ साथ सॉकेट कनेक्टेड है। तो यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी टेप लगा रखा है। अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर ऊंचाई कितनी रखी गई है। तो ऊंचाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रूम के मेन बोर्ड की ऊंचाई आपको 4 फीट 6 इंच रखनी चाहिए। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि रूम के मेन बोर्ड की ऊंचाई 4 फीट 6 इंच रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेड के बगल में एक बोर्ड लगा है, और इस बोर्ड में आप मोबाइल चार्जर लगा के बेड पर बैठकर या फिर लेटकर मोबाइल चार्ज करते हुए मोबाइल को यूज कर सकते हैं। तो यदि आप भी बेड पर लेटकर या फिर बैठकर मोबाइल चार्ज करते हुए मोबाइल चलाना चाहते हैं तो आपको भी बेड के पास में कुछ इस तरीके से एक बोर्ड लगाना होगा। तो यदि हम इस बोर्ड की ऊंचाई की बात करें तो चलिए हम आपको माप कर दिखा देते हैं। तो ऊंचाई की बात करें तो आप देख लीजिए कि 3 फीट 6 इंच है, और मोबाइल चार्ज के साथ साथ इससे एक फायदा ये भी है, आप इस बोर्ड में प्रेस लगाकर अपने बेड बिस्तर पर कपड़े को रखकर अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको किस बोर्ड की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।